माता रानी के दरबार में माथा टेकने पैदल जत्था हुआ रवाना। रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट। मन में उमंग, दिल में विश्वास व श्रद्धा के साथ शक्ति स्वरूपा, जन जन का कल्याण करने वाली व दुखों को हरने वाली माता रानी भटियाणी के दरबार में दर्शनों की कामना मन में संजो कर माथा टेक कर खुशहाली की मन्नत मांगने हेतु कस्बे से माहेश्वरी नवयुवक मंडल का एक जत्था विश्व प्रसिद्ध स्थान जसोल के लिए पैदल रवाना हुआ। दल के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में आस्था व श्रद्धा की लहरें हिलोरे ले रही थी। युवाओं को पैदल जाते देखकर माता की और उनकी श्रद्धा देखते ही बनती थी। हाथों में ध्वजा लेकर और जत्थे का पैदल उमंग से जाना, ऐसी श्रद्धा को देखने लोग उमड़ पड़े। लोगों ने जत्थे में जाने वाले युवाओं को फूलमालाओं से लाद दिया। जत्था भरत कुमार अभिमन्यु बाहेती के निवास स्थान से भटियाणी माँ की पूजा अर्चना कर शुभ मुहूर्त में माता के गगनभेदी जयकारों के साथ रवाना हुआ। माता के दरबार में प्रतिवर्ष सच्चे दिल के साथ हाजिरी देने वाले इस दल को कस्बे वासियों ने जयकारों एवं ढोल ढमाकों के साथ रवाना किया। यह दल आस्था के साथ कदम बढ़ाते हुए भाद्र शुद्ध बीज को माँ के दरबार में पहुंचकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की मन्नत मांगेगी। हाथ में माँ की ध्वजा व विश्वास के साथ बढ़ते कदम इनकी आस्था को प्रकट करते हैं। पैदल जत्थे में जाने वालों में सुनील बाहेती, अनिल सारदा, रमेश लदड़, भाविक चांडक एवं अभिषेक चांडक सहित कई युवा शामिल हैं।